हम इसमें टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। इसमें हमने लहसुन अदरक और कच्चा पपीता ऐड करके इसे 30 मिनट के लिए आप छोड़ दें। ये मसाला ऐड हो गया है। हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल अच्छी तरह गरम हो गया। हमने जो ये एक घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था हम इसे ऐड कर देंगे। हमने इसे अच्छी तरह मैरिनेट करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसे हम दम पे रख देंगे। तो ये मसाले की जो हमने बोटियां ऐड करी हैं इसे आप हिलाते रहें ताकि ये गल जाए। सुबह सुबह हम कुर्बानी के बाद बोटियां बना रहे हैं और गरम गरम कलेजी बन रही है साथ। सुबह का नाश्ता है ये कुर्बानी के पहले दिन। हम इसे दम पे ही रख रहे हैं। टिक्का बोटी हमारी रेडी हो गई है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही टिक्के बोटी जैसा है, लेकिन बस इसमें कोयले का दम नहीं है। अगर आप कोयले का दम देंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोयले पे बनाई है। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।